अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, और बहुत इजी तरीके से बनाएंगे ताकि सबको बनाने के अंदर परेशानी ना हो। और हम डाल रहे हैं इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी। पानी गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 150 ग्राम पास्ता। जब तक ये बॉयल ना हो जाए, इनको 8 से 10 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। 2 टीस्पून के बराबर आपको नमक डालना है। जब ये बॉयल हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। ये हमारा बॉयल पास्ता है, ये हमारा चिकन स्टॉक है, ये हमारा एक लाल दूध है, बॉयल चिकन है हमारा 1 प्याली, 3 टेबल हमारा बटर है, 2 स्वीट कॉर्न हमारे 1/2 प्याली से ज़्यादा हैं, 3 टेबल हमारा मैदा है, और लहसुन हमने चॉप किए हैं 6-7, ओरिगानो हमारा 1/2 टीस्पून है, चिली फ्लेक हमारा 1/2 टीस्पून है, काली मिर्च पाउडर हमारा 1/2 टीस्पून है, और नमक हमारा 1/2 टीस्पून है, बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग। प्याज हमारी थोड़ी है, जितनी हमें चाहिए थी हमने उतनी ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। शिमला मिर्च ये भी हमने थोड़ी सी कट की है, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलिव ये भी थोड़े हैं हमारे, और ये गाजरें, ये भी हमने तमाम सब्ज़ियाँ जो है हमने चौकोर शेप में काटी हैं, और तकरीबन ये थोड़ी थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं। मैंने 1 टेबल के करीब ऑलिव ऑयल डाला है, जिसमें मैं प्याज सोते करूँगी और गाजर थोड़ी देर से सोते करूँगी ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो गल जाएगी। स्वीट कॉर्न डाल देंगे, थोड़ा सा इनको भी फ्राई करेंगे। अब ये मैं शिमला मिर्च भी डाल देंगे, ऑलिव भी डाल देंगे, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना होगा, थोड़े क्रंची अच्छे लगते हैं और मज़ा भी देते हैं खाने में। और ये मैंने चिकन भी ऐड कर दें, ये हमारा सोते हो गया तमाम वेजिटेबल और चिकन। अब हम इन्हें इसे निकाल रहे हैं। अब हम बटर डालेंगे, बटर को हमें ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है, वरना ये वाइट सॉस पास्ता नहीं बनेगा। इसी वक्त हम लहसुन डाल रहे हैं, बिल्कुल हल्की, इसको आपने फ्लेम रखना है, ये हल्के हल्के होगा। लहसुन हमारा फ्राई हो गया, अब हम मैदा डालेंगे। मैदे को आपने इस तरह भूनना है कि लम्स ना पड़े। एक दो मिनट भूनने के बाद आप इसमें चिकन स्टॉक डाल दें, पहले कम कम करके डालें ताकि लम्स ना बने। मैं पास्ते के अंदर कोई भी कुछ ऐड नहीं कर रही, चाहे तो आप डाल सकते हैं, क्यूब्स डाल सकते हैं चिकन की। लम्स ख़त्म हो गए, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, इसको सेट करते जाएं ताकि क्रीमी बनता जाए। ये दूध ऐसा ऐसा करके हम तमाम दूध डाल देंगे।
थोड़ा इसमें बॉयल आ जाए। जो बॉयल आ गए अब मैं काली मिर्च, कुटी मिर्च और ओरिगानो अब मैं हाफ टी स्पून नमक भी डालूंगी। और जितनी भी वेजिटेबल मैंने फ्राई की थी वो भी मैं डाल रही हूँ इस वक्त। और ये जो पास्ता है ये भी थोड़ा सा नमक मेरा कम था तो मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है। ये पास्ता हमारा रेडी है। मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ।